अपने गुनाहों को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए कुलदीप बिश्नोई, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दलों में परिवारवाद हावी है। भाजपा ने आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को टिकट दी है। यहां पहले भजनलाल, फिर उनकी पत्नी, बेटा कुलदीप बिश्नोई और अब पोता भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेगा। क्या आदमपुर में चुनाव लड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई और व्यक्ति नहीं मिला? कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई कभी आदमपुर में लोगों का हालचाल जानने तक नहीं पहुंचते। वहीं जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र को बनाया है, 24 घंटे लोगों के बीच रहता है। आज सुशील गुप्ता अहिरिका गांव के एक निजी स्कूल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान स्कूल के संचालक एवं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के नज़दीकी रहे वजीर ढांडा को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। सुशील गुप्ता ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति पर 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और उनके पासपोर्ट भी जमानत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा हो, वे आदमपुर की जनता का क्या भला कर सकेंगे? अपने गुनाहों पर चादर डालने के लिए कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती है, अगर जीत भी जाती है तो बिक जाती है। ऐसे में देश में भाजपा का विकल्प केवल अरविंद केजरीवाल ही है। उन्होंने पहले दिल्ली फिर पंजाब में बदलाव करके दिखाया, अब बारी हरियाणा की है। आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। अनेकों सैकड़ों साथियों ने और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पूरा अहिरका गांव के अंदर हजारों व्यक्ति जो एक रैली के रूप के अंदर यह समारोह, यह आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता हुआ ग्राफ है, जो आज हर व्यक्ति चाहता है कि हरियाणा के अंदर भी दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल और कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, दिल्ली जैसे फ्री बिजली मिले, दिल्ली जैसे 24 घंटे फ्री पानी मिले, दिल्ली जैसे किसानों का सम्मान हो, महिलाओं का विकास हो और ये देश विकसित हो, इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो। भारतीय जनता पार्टी जो जाति और धर्म की राजनीति करती है, जो नफरत की राजनीति करती है, जो भाई भाई को बांटने की राजनीति करती है, उससे अब हरियाणा के लोग छुटकारा चाहते हैं। कांग्रेस इस देश के अंदर जीती नहीं है और जीती तो बिक जाती है। कांग्रेस अब विकल्प नहीं रहा, विकल्प आ रहा है अरविंद केजरीवाल के रूप के अंदर। आज मोदी को हटा के इस देश को अगर विकसित करना है तो अरविंद केजरीवाल एकमात्र रास्ता है। ये हरियाणा के लोगों की सोच है। हरियाणा 2024 का जो चुनाव का गेटवे है वो आदमपुर से खुलने वाला है। आदमपुर के अंदर दादालाई टूटने वाली है। पहले भजनलाल, फिर उनकी पत्नी, फिर उनका बेटा, अब उनका पोता, कब तक ये हरियाणा की जनता बोझ ढोएगी? इस बोझ को जो व्यक्ति विधानसभा के अंदर देखते नहीं है, जो व्यक्ति विधानसभा के लोगों से हाथ मिलाने में नफरत महसूस करते हैं, जो व्यक्ति प्रवासी पक्षियों की तरह चुनाव के समय विधानसभा के अंदर पहुंचते एमएलए रहते हुए भी, उस बात को छोड़ के आम आदमी पार्टी का सत्येंद्र सिंह जो 24 घंटे जनता के बीच के अंदर रहता है, वो ये दस्तक दे रहा है, ये चुनाव को जीत रहा है, भारी बहुमत से जीत रहा है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है जो पंचायत राज के चुनाव अभी डिक्लेयर हुए हैं, आम आदमी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, जिला परिषद का और पूरे हरियाणा के अंदर लड़ेगी मजबूती के साथ। तो आदमपुर में किससे चुनौती मानते हैं? आदमपुर में कांग्रेस तो कहीं है नहीं, अब मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है, और बीजेपी से किसान बहुल प्रदेश के लोग नफरत करते हैं। केवल कुलदीप बिश्नोई अपनी गुनाह की चादर को ढकने के लिए बीजेपी के अंदर शामिल हुआ है, आदमपुर की जनता इस बात को जानती है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य को टिकट दे दी गई है भाजपा ने, और जो पहले जो पैतृक है भव्य का विदेश जाना सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया था। कुलदीप बिश्नोई और उसकी धर्मपत्नी के पासपोर्ट जमानत के रूप में सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे हैं। ऐसे व्यक्ति
चीन के ऊपर 200 करोड़ रुपए से ऊपर घोटाले का आरोप हो, जो जमानत के ऊपर हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पासपोर्ट जमा करके जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति को अब आदमपुर की जनता नहीं सही। जींद का आपने हीरा चुन लिया है, ये कहाँ से मन में आया? हांडा हमारे पुराने साथी रहे हैं, आज मजबूती के साथ पुनर एक नव चेतना के साथ आम आदमी पार्टी के अंदर जुड़े हैं और मैं समझता हूँ कि इनको एक अच्छी जिम्मेदारी पार्टी देगी। धन्यवाद भाई। दोस्तों जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।